एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी, अपनहू अपनहू दे। यही हाल अमेरिका का है। एक तरफ अमेरिका और 27 देश मिलकर रूस के ऊपर प्राइस कैप थोप रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने सबसे बड़ी जीत दर्ज करा दी है और कहीं न कहीं इस ऐतिहासिक जीत में भारत का बहुत बड़ा हाथ है। 9 महीने की अमेरिका की मेहनत पानी में चली गई, जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ भारत की करेंसी ने तो डॉलर के नींद उड़ा दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब रुपया ने कर दिया है बहुत बड़ा खेल, $1 ट्रिलियन कुछ ही महीनों में। आखिर क्या है मामला, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको बताया किस तरीके से यूरोप और किस तरीके से ब्रिटेन लगातार रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं। एकदम से ऐसी कंपनियां अचानक से बीच में आ जा रही हैं और GPS ऑफ हो जा रहे हैं, तेल का टैंकर UK पहुंच जा रहा है। इसमें यह कहा गया कि ग्रीक की कंपनियां लगातार इस तरह की मदद कई देशों को पहुंचा रही हैं। मतलब ये है कि कंबल ओढ़कर घी पिया जा रहा है कई देशों द्वारा। ये दुनिया के देश को ये शिक्षा दे रहे हैं, खास तौर पर पश्चिमी देश, कि तुम ना खरीदो, तुम तेल ना खरीदना, तुम गैस नहीं खरीदना। रूस एक आतंकी देश है, पर खुद ये चुपके चुपके आराम से तेल और गैस खरीद रहे हैं। ये चीजें तो साफ दिखी। अब ऊपर से ये कहा जाने लगा कि हम प्राइस कैप लगाएंगे। 27 देश बैठे मूड बनाकर कि हमें रूस को बर्बाद करना है और प्राइस कैप लगा देना है। आपस में ही लड़ भिड़ गए कि कोई कह रहा है कि नहीं $55 लगा दो, कोई कह रहा है $70 लगा दो, कोई कह रहा है कि नहीं $20 लगा दो। मतलब एक बैरल की कीमत $20 लगाओ ताकि रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। पर आखिरकार यूरोप को खुद भी तो देखना है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। प्रतिबंध तो लगा दिए, लेकिन ठंड में अगर तेल और गैस मिलेंगे नहीं तो जियोगे कैसे। रूस को तबाह करने के चक्कर में खुद ही तबाह हो जाओगे। और अब बात आकर बन कहां पर रही है कि $70 प्रति बैरल लगाएंगे। ठीक है, $70 प्रति बैरल लगा दिया तो कौन सा तीर मार लिया कि अभी रूस जो बेच रहा है तेल, उसकी कीमत है करीब $40 से $60 प्रति बैरल। मतलब कि अभी भी रूस को मुनाफा ठीक ठाक हो रहा है, और ये मुनाफा ऐसा हो रहा है कि रूस ने अपना प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ा दिया है क्योंकि इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऊपर से रूस ने भी एक डिक्री अपने संसद में ला दिया है। रूस ने ये डिक्री लाकर कानूनी तौर पर ये कह दिया है कि भैया जो प्राइस कैप को मानेगा हम उसके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, हम उसे तेल और गैस देंगे ही नहीं। बात करें भारत और चीन, भारत और चीन ने लगातार बहुत बड़ी मात्रा में खरीदा तेल और गैस, और ये कीमत क्या थी, $40 से $60 प्रति बैरल, मतलब इस प्राइस कैप के नीचे। और रूस ने जो मुनाफा बनाया है ना, वो मुनाफा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है और रूस एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से जीत रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि एक तो रूस ने यूरोपीय देशों सहित कई देशों को कह दिया कि रूबल में व्यापार करो, हमें रूबल में दो, अपनी करेंसी भी मजबूत कर ली। ऊपर से ये देश ऐसे थे जिन्हें हर हाल में तेल और गैस चाहिए ही था, ये जाते कहां। पर सबसे बड़ी बात ये है कि रूस को इस स्थिति तक पहुंचाने में भारत और भारत जैसे देशों की बहुत बड़ी भूमिका भी है। कहीं ना कहीं भारत ने रूस को डूबने से बचा लिया है। भारत ने रूस का साथ तब दिया जब दुनिया के देश रूस का साथ नहीं दे रहे थे। खैर, इस वक्त रूस ने अपना उत्पादन बढ़ाकर ये जरूर तय कर दिया है कि रूस अभी मार्केट में लंबे समय तक बना रहेगा और यूरोप और अमेरिका के लिए सिरदर्द भी बना रहेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की डॉलर की ऐसा लग रहा है जैसे जान लेके छोड़ेगा भारतीय रुपया। भारत की नीतियां कुछ उसी तरफ चल रही हैं। जब भारत के दो दिग्गज बिजनेसमैन एक ही बात को कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि सचमुच भारत उस दिशा में बढ़ रहा है। गौतम अदानी ने ये कहा कि भारत 2050 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
वहीं अंबानी ने कहा कि भारत 2047 तक 40 ट्रिलियन डॉलर वाली जीडीपी वाला देश बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय रुपया डॉलर की जान लेकर छोड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी दिशा की तरफ भारत का रुपया बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसके पीछे जब दो बड़े बिजनेसमैन कह रहे हैं तो जरूर कुछ न कुछ बात है और उसका असर भी दिखने लगा है। अगर हम डॉलर की बात करें, डॉलर को दुनिया भर में क्यों बहुत ज्यादा माना जाता है, इसके पीछे कारण ये है कि ये एक हार्ड करेंसी है। हार्ड करेंसी क्या होता है? तो एक ऐसी करेंसी जो एक स्टेबल करेंसी है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक ऐसे इकोनॉमी की करेंसी है जिसकी इकोनॉमी मजबूत है। तीसरी बात, हाईली लिक्विड है, यानी इसे कहीं भी ले जाया लाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इजिली कन्वर्टेबल है, यानी कि आराम से इसे बदला जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का इनके ऊपर विश्वास होना चाहिए और जब हम फॉरेन रिजर्व में रखें तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब ये हार्ड करेंसी का नियम है और ये हार्ड करेंसी के सारे नियम डॉलर मानता है। यही वजह है कि डॉलर का व्यापार काफी कुछ बढ़ रहा है। पर इसका क्या मतलब है कि क्या दुनिया की बाकी करेंसी नहीं निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है। और आपको बता दें, चाइना की करेंसी भारतीय रुपए से हार गई है। बिल्कुल सही सुना आपने, युआन के बारे में ही बात हो रही है। पहले तो भारतीय करेंसी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अफ्रीका अब ये कह रहा है कि हमें आपके साथ रुपए में व्यापार करना है। भारत ने कई देशों को टारगेट किया जिसमें यूएई, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये देश हैं जो हमारे आसपास हैं। इसके अलावे अफ्रीका के देशों को भी कांटेक्ट किया और अब भारत को जीत मिल रही है। जीत इसलिए मिल रही है क्योंकि नाइजेरिया और तंजानिया ने ये कह दिया है कि हाँ, हम रुपए में व्यापार करेंगे। और इसके अलावे 25 से 30 देशों को जोड़ा जा रहा है रुपए से व्यापार करने में। ये सारी चीजें जुड़ने के बाद मात्र 4 साल के अंदर सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भारत का होगा 1 ट्रिलियन डॉलर का, जो इस वक्त कितने का है, 420 बिलियन डॉलर का है। अफ्रीकी देशों को अब भारतीय करेंसी के ऊपर ज्यादा यकीन हो रहा है। अब बात करें कि चीन का युआन क्यों फेल हो रहा है, तो इसके पीछे कारण ये है कि चीनी युआन उस तरीके से नहीं माना जा रहा है जो हार्ड करेंसी के रूल्स है। हार्ड करेंसी में इस वक्त भारतीय रुपया बहुत ज्यादा प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।